संजय दत्त को संजू के राइट से मिलेंगे 21 करोड़ रुपए, मुनाफे में भी राजकुमार हिरानी देंगे हिस्सा। संजय दत्त की बायोपिक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है। इस फिल्म ने अलग अलग तरीकों से अतीत की कई ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिलीज के 7 दिनों में ही फिल्म ने 202 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म पर पैसों की हो रही बरसात की कुछ बूंदे संजय दत्त को भी देने की बात चल रही है। मुनाफे से संजय दत्त को भी मिलेगा हिस्सा। ट्रेड के गलियारों में चर्चा है कि इस फिल्म के राइट्स के बदले में संजय दत्त को 21 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही आगे सैटेलाइट म्यूजिक और डिजिटल राइट्स से होने वाले मुनाफे में भी 5-10% तक उन्हें देने की बात चल रही है। हालांकि संजय दत्त और राजकुमार हिरानी एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। शुरू में उन दोनों के बीच पैसे को लेकर राइट्स लेन देन की बात नहीं थी, मगर अब जब फिल्म ने तगड़ी कमाई की है तो हिरानी की तरफ से संजय दत्त को भी कमाई का हिस्सेदार बनाने की बातें चल रही हैं। इस फिल्म के तहत 21 करोड़ रुपए की रकम उभर कर सामने आ रही है। ट्रेड पंडितों का ये मानना है कि फिल्म की सफलता को लेकर हिरानी एंड कंपनी आश्वस्त थी। ऐसे में फिल्म के सैटेलाइट राइट्स रिलीज होने से पहले नहीं बेचे गए। अब जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है तो बड़ी हुई कीमतों पर उसे बेचने की तैयारी हो रही है। डिजिटल राइट्स के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजोन में होड़ मची हुई है, लेकिन फॉक्सस्टार इंडिया ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लिहाजा सैटेलाइट राइट्स स्टार प्लस को और डिजिटल राइट्स हॉटस्टार को मिलने की संभावना बन रही है।